ऋषि कपूर ने की थी दीपिका पादुकोण के साथ एक फिल्म साइन। अब नहीं देखने मिलेगा इन दोनों का जादू। फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री भी है नाराज। एक्टर ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए। 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। ऋषि की एक्टिंग को काफी पसंद किया जाता था। ऋषि हर किरदार में आसानी से ढल जाते थे। अमेरिका से वापस लौटने के बाद ऋषि ने फिर फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी थी। वो फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म साइन भी की थी। वो फिल्म थी दी इंटर्न। इस फिल्म से जुड़ी डिटेल्स भी शेयर कर दी गई थी। फिल्म में दीपिका पादुकोण मुख्य रोल में है। वहीं ऋषि कपूर को भी अहम किरदार दिया गया। फिल्म 2021 में रिलीज होनी है। बता दें कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट खुद दीपिका पादुकोण ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर की थी। उन्होंने लिखा, थ्रिल टू प्रेजेंट माय नेक्स्ट द इंडियन एडेप्टेशन ऑफ द इंटर्न और 2021 रिलीज। ऋषि ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, दी इंटर्न एक प्रासंगिक फिल्म है और ये आज के दौर में भारत के ऑफिस वर्क प्लेस और मानवीय रिलेशनशिप्स को खूबसूरती से दिखाएगी। मैं दीपिका के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हूँ। ये शानदार है कि प्रतिष्ठित वार्नर ब्रोस और अजूरे ऑफिशियल्स इस फिल्म को भारत में बना रहे हैं। द इंटर्न इज वेरी रिलेवेंट फिल्म फॉर द प्रेजेंट डे इंडियन वर्कप्लेस मिलियू एंड इट शोकेसेस ह्यूमन रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुली। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वर्किंग विद दीपिका एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस हार्टवार्मिंग स्टोरी। इट इज ग्रेट दैट वार्नर ब्रोस एंड अजूरे आर ऑफिशियली मेकिंग दिस फिल्म इन इंडिया। वही उस समय दीपिका ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, द इंटर्न इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप ड्रिवन फिल्म set in and around the workplace, a story that I believe is very relevant to the present day social and cultural environment. I have been looking for a light, breezy comedy drama and the story fits in seamlessly. I cannot wait to begin this journey. Well, अब ये वाकई में एक खूबसूरत फिल्म हो सकती थी, लेकिन अब ऋषि जी के जाने के बाद देखना ये होगा कि इस फिल्म में कौन उनका रोल निभाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.